नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल न्यूज। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला डॉक्टर के साथ कथित रूप से बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने की घटना सामने आई है। इस घटना से पूरे देश में गुस्से का माहौल है और डॉक्टर्स एवं जनता सड़कों पर उतर कर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इसका प्रभाव भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के दावे एवं थियरियां शेयर की जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा चलाया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की पेल्विक गर्डल, जो कि जांघों और पेट के बीच वाला हड्डियों का ढांचा है, वो टूटा हुआ था। साथ ही मृतक डॉक्टर की कोलर बोन और हाइपोइड हड्डी के टूटे हुए होने का भी दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर भी यही दावा कई यूजर्स ने शेयर किया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त ने इस मामले पर अपने शो के दौरान टाइटल और टिकर में यही दावा चलाया था। About the multiple pelvic fractures, you spoke about your sense this was not the work of one man. The family has repeated that, the family's lawyers have repeated that in court now. Many different and horrible details have been placed before the court. Legs wrenched open at 90 degrees, broken pelvic girdle, the multiple fractures that you referenced, the semen samples and the questions that they raise. बरखा दत्त के इस दूसरे शो में डॉक्टर राजाधर ने भी यही दावा किया था। That's what we have heard. So that's what the handwritten. So you know, there's such a lot circulating on the social media. So what's come to us has been the fact that there has been multiple fractures, including a pelvic fracture. And you understand that there's a huge amount of force which needs to be implied if a lady in her early 20s or mid 20s needs to have a fracture of the pelvis. And I would think that it's going to be very difficult for one man, especially the man whose photograph you've just shown a little while ago, for him to commit a crime of the range that's been described. वहीं पीड़ित परिवार की पड़ोसी महिला ने द लल्लन टॉप को बयान देते हुए कुछ ऐसा ही कहा था। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। इस मामले में छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, जिसमें साफ बताया गया है कि पीड़िता के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं, लेकिन इसमें पीड़िता के शरीर में फ्रैक्चर होने की कोई बात नहीं बताई गई है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि फ्रैक्चर नॉट फाउंड और डिसलोकेशन नील। व्यूअर्स गौर करें कि इस मामले में पीड़िता की मौत हाथ से गला घोटने के कारण हुई थी, जैसा कि उसकी पीएम रिपोर्ट में बताया गया है। वहीं इस मामले में पोस्टमार्टम को वीडियोग्राफी से रिकॉर्ड किया गया था और इसे बाद में सीबीआई को सौंपा गया था। यहां इतना तो साफ हो जाता है कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में महिला डॉक्टर की पेल्विक गर्डल, कोलर बोन और हाइपोइड हड्डी के टूटे मिलने का दावा गलत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी फ्रैक्चर का कोई जिक्र नहीं है।